जिलाधिकारी परिषद के सभी कार्यालय को बुधवार से 48 घंटों के लिए सील कर दिया गया है। सभी कार्यालय पूर्ण रूप से बंद रहेंगे तथा कर्मचारी अपने घरों से काम करेंगे, जिसके संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि एसएसपी कार्यालय के 2 कर्मचारियों का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर कलेक्टर परिसर को 48 घंटों के लिए सील करके साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का कार्य हो रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण को दूर भगाया जा सके। इसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, ये एसएसपी सर के ऑफिस में 2 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, इसकी वजह से डीएम साहब ने और एसएसपी साहब ने ये निर्णय लिया है कि दोनों ऑफिसेज़ को, जो कि एक कंबाइंड परिसर में हैं, इनको सैनिटाइज करा लिया जाए। तो 48 घंटे का समय जो है सैनिटाइजेशन के लिए जिला मजिस्ट्रेट साहब ने कलेक्ट्रेट में लॉकडाउन एक तरीके से कह लीजिए या कह लीजिए सैनिटाइजेशन पीरियड संरक्षित किया है। सर वहाँ पे कैसे गतिविधियाँ रहेंगी, काम चलेगा, जिलाधिकारी परिषद का कार्य कैसे चलेगा? जिलाधिकारी परिषद का ऑनलाइन जितने भी काम है वो ऑनलाइन चल रहे हैं। केवल जो शिकायतकर्ता यहाँ पर शिकायत लेके आते हैं उनको और जो हमारे कर्मचारी हैं जो कलेक्ट्रेट में बैठते हैं और परिसर को सभी को सुरक्षित करने के लिए सैनिटाइजेशन के लिए ये निर्णय लिया गया है।